सो गाइज पिछले दिनों के आप एक वीडियो देखी से जिदे आपको पता लगा सी कि कबड्डी का एक प्लेयर है लाहौर तो वह एक पिंड जिहड़े मेला होया सी मैच के दौरान एक वो कज़न ने जिहड़ी वो सिर च गोली मार के उहदी हत्या करती सी पिछे कारण की रहा वो पिछे रीज़न की सीगा वह अज की वीडियो के आप देखांगे। सो वीडियो बिना किसी देर तो करते हैं शुरू। वो गया था कबड्डी का मैच खेलने, वो कप्तान था टीम का, वो सेल्फियां ले रहे थे लोग, पीछे से आया इसका भाई, उसने नकाब किया हुआ था, उसका मास्क लगाया हुआ था, उसने इस गर्दन पे उसके मारी है। कितने साल हो गए शादी को? डेढ़। अच्छा जिन्होंने नहीं पता, आई थिंक कई नहीं पता होना कि जी आई थिंक अगे लेडी बैठी है उस मुंडे की वाइफ है, तो ये ब्रदर ने जिहड़ा उहदे सिर च गोली मार के उहनू मारिया, क्योंकि उहदा ब्रदर है जिहड़ा वह अलाउड नहीं करते सी उहनां दे घर दे कुड़ी दे घर दे कि इहनां दा जिहड़ा विआह वह हो जाए, क्योंकि ये कज़नस है, भूआ दी कुड़ी है ये, ठीक है। तो पाकिस्तान दे विच इस्लाम कम्यूनिटी दे विच ये गल जायज़ है कि कज़नस नाल जिहड़ा विआह है वह किया जा सकता, बट इत्थे पता नहीं की रीज़न रहा, देखते हैं अगे। आ जाओ की शादी की? हाँ जी, पसंद की थी शादी। पहले मानते नहीं थे शादी की? नहीं मानते नहीं थे। क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं ये गरीब हैं, हमने अमीरों में करनी है। आपने फिर खुद से शादी की, भाग के की थी? हाँ जी मैंने की। कहते हैं हमारी गैरत, किस बात की गैरत कह रहे, मैं कोई गैरों में गई थी, मामू का बेटा है, बकास से मिनते की के मान जाओ। नहीं मानते थे? नहीं मानते थी। आप अपने शोहर के? बहुत खुश थी, मुझे एक दिन भी इनकी याद नहीं आई, मैंने एक दिन नहीं याद नहीं किया, पर अपने शोहर को कैसे बुलाऊंगी, मुझे लगता है वो भी आ जाएगा। सबर नहीं आना सारी जिंदगी। उन्होंने फिर मुझे धमकी दी कि तुम्हें भी नहीं छोड़ना, नकी बुला के भी नहीं छोड़ना, उन्हें ना छोड़ना। मेरा भाई बहुत तड़पा, उन्होंने बहुत तड़पाया मेरे भाई को, ताका वास्ता करके कहती हूँ हमजा शबाज, वजीर आला प्राइम मिनिस्टर हमारी इल्तिजा सुन ले, हम इंसाफ दिला दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यार किदां दी मतलब शख्स है यार, मेनू समझ नहीं आ रही भी इह किहो जी तुहाडी गैरत आ, हुण तुहानू मतलब की कहां यार मैं, मतलब सारी दुनिया सुन रही है हुण, जे तां कमरे च बैठे होईए मैं भी चार गालां कढ लां, पर मैं हुण इत्थे की कहां बंदे नूं, पर हो सकदा उहदे ते जिहड़ी कारवाई होगी होएगी क्योंकि फड़िया भी गया होएगा मे बी, बाकी तुसीं मैनूं कमेंट करके दसो कि की हिसाब किताब है। अगे देखते हैं वीडियो। यार दुश्मन थे आप लोगों के? हाँ जी अभी तक दुश्मन थे। कबूल नहीं किया था? नहीं। ये बच्चा पैदा हुआ है इसके बाद भी कबूल नहीं? इन्होंने तस्वीर देखी थी, पिक्चर देख के कहते ये भी मर जाए। ओ यार वाहेगुरु हद है यार, वाहेगुरु बचावे है उदियां तो भरावा, मतलब एक छोटा जा बच्चा यार उहदे बारे भी इदां बोलना, नाले पता की हुंदा खासकर इदां दी जिहड़ी सिचुएशनस हुंदी आ जदों कदे बच्चा हो जांदा ना, दैन जिहड़े घर दे हुंदे आ ना पेरेंट्स हुंदे आ उह मतलब कि मन लैंदे यार, एक्सैप्ट कर लैंदे कि चलो हुण तां जो होणा सी हो गया, हुण बच्चा हो गया, क्योंकि मूल नालों व्याज प्यारा हुंदा, पर पता नहीं किहो जिहे पत्थर लोग आ यार दुनिया 'च, मतलब इहो जी गैरत यार बेवकूफां लई है, ठीक है मर्दां लई तां है नहीं। इतने थे वो जालिम। घर में कौन कौन था आपके? मेरे घर में अम्मी अबू तीन भाई एक छोटी बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ। भाई ने किया आपके ये सब? हाँ जी भाइयों ने, अम्मी अबू ने, और भाइयों ने, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी जुरत नहीं थी, उसने ऐसे किया, क्यों किया, साथ साथ सब शामिल थे, सबने करवाया, सबने करवाया, सब शामिल थे। जैसे कि डेढ़ साल से धमकियां दे रहे थे? हाँ धमकियां लगातार, धमकियां डेढ़ साल से आ रही, डेढ़ साल से। मेरे भाई थे वकास के, छोटे भाई थे, उन पे भी तहशुद किया, उन्हें भी मारा, उनकी जगह पे कब्जा कर लिया, उन्होंने इतना सब्र किया, ये कानून की कार्रवाई की, उन्होंने पैसे खिलाए उनको, वो खा के, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कानून ने बिल्कुल साथ नहीं दिया हमारा। आपसे अपील करती हूँ, हमें इंसाफ दे, तहफ़ दे, सब्र नहीं आना, सब्र नहीं आना सारी जिंदगी, सब्र नहीं आना। अली चाली, अली चांद, वो मेरे चाचू के बेटे हैं शहजाद, वो शामिल है, वो भी शामिल है। मेरा ताया अरशद, वो भी शामिल है, और इकबाल उसका बेटा, वो भी शामिल है, मेरी खाला भी शामिल है, उसकी को तरस नहीं आया अपनी ही बहन को बेवा कर? सब शामिल थे ना, कहते हमारी गैरत, किस बात की गैरत कह रहे, बताए ना इसमें गैरत है, मैं कोई गैरों में गई थी, मामू का बेटा है। आपके मामू का घर है? अच्छा है, सगे मामू का बेटा है, कहीं गैर नहीं थे, हम आते जाते थे, विकास से मिनते की के मान जाओ। नहीं मानते थे? नहीं मानते। ये भी आई थी, ये सब झूठ बोले, कहते रिश्ता नहीं लेने के, ये सब गई थी, सब गई थी। खुश थी आप अपने शोहर के? बहुत खुश थी, मुझे एक दिन भी इनकी याद नहीं आई, मैंने एक दिन नहीं याद नहीं किया, पर अपने शोहर को कैसे बुलाऊंगी, मुझे लगता है वो भी आ जाएगा, क्या करूँ।
क्या करूँ, मुझे सब्र नहीं आ रहा, सब्र नहीं आ रहा। मेरा मामू सफदर भी है, वो कहता 25 लाख ले लो इसका मरवा दो, 25 लाख ले लो मुझसे इसका मरवा दो। को भी मारना चाहता? हाँ जी, अभी भी कहते हैं, सब आ रही, सब बता रही, कह रही है। उन्होंने फिर मुझे धमकी दी कि तुम्हें भी नहीं छोड़ना, नकीबुल्ला को भी नहीं छोड़ना। मैंने कहा मैं इंसाफ लूँगी, इंसाफ लूँगी। बहन मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने रिश्ता वगैरह मांगा सब कुछ? रिश्ता लेने गए और हमारी पुप्पू ने हमारे साथ झगड़ा किया, हमें धक्के दे से बाहर निकाला, हमारे काफ़ी हमारे साथ मसला बनाया। फिर उन्होंने हम पे भी, जब ये मसला बना मेरे भाई का, तो इन्होंने हम पे भी जो है ना दरख्वास्तें दी हैं। थाने में हम गए हैं, बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। कानून ने कोई बात नहीं सुनी हमारी, साल हो गया, किसी ने मेरे भाई का तहफ्फुज़ नहीं दिया, किसी ने हम लोगों को तहफ्फुज़ नहीं दिया। जब मेरा भाई फोत हो गया है, जब मर गया है, तो सब पुलिस वाले आ गए हैं, तब क्या लेने आए थे, तब भी ना आते। जब वो मर गया था तब हमने इसका तहफ्फुज़ किया। आप लोगों को खबर मिली वहाँ पर वो क्या करने गए हुए थे और क्या वो गया था? कबड्डी का मैच खेलने, चैंपियन थे वो, कप्तान था टीम का, कप्तान था। अच्छा, वो सेल्फियाँ ले रहा था और पीछे सेल्फियाँ ले रहे थे उसके, वो सेल्फियाँ ले रहे थे लोग, पीछे से आया इसका भाई, उसने नकाब किया हुआ था, उसका मास्क लगाया हुआ था, उसने इस गर्दन पे उसके मारी है, गर्दन पे ना मालूम नहीं है इसका भाई है, इसका भाई है वारस कालू। पकड़ा गया उसी वक्त? पकड़ा गया, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, हमें उसकी मौत ही चाहिए। कब आपके भाई को हॉस्पिटल तक ले जाया गया? जिंदा रहा कुछ? थोड़ी देर रहा, लेकिन सिर च गोली बजी है यार, की जिंदा रहना बेचारे ने उसे, नहीं क्योंकि उसके सर पे गोली लगी तो उसे पता ही नहीं, उसे होश नहीं। मेरा बूढ़ा बाप है, हम इतने लोग इतने नहीं हैं, इन लोगों ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा, ये बीवी है, ये बच्चा है, मेरे चाचू ने पैसे, वो पैसा खिलाएंगे, कानून बिक जाएगा। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से बोले, उसने भी ये सारा साथ, वो भी मिला हुआ है। जीवना ने मेरे रहता है मरियम स्ट्रीट बरकत मार्केट के सामने, उसने पैसे दिए हैं, उसने कहा 25 लाख ले लो वकास को मार दो, हमें इंसाफ चाहिए, वो भी पकड़ना चाहिए। उसके बच्चों ने, सब ने मिलके मेरे भाई को मारा है, सब ने मिलके। उस भाई ने कहा था नहीं दिया, लेना देना मन बन गया, हिस्सा नहीं उन्होंने दिया हमें, आपको नहीं कुछ नहीं, शोहर को, मेरे शोहर को ना हमें हिस्सा नहीं दिया। मेरा मामू नहीं है, ये दोनों भाई थे सफदर और पुन्नू, सफदर पुन्नू बूटा पुन्नू, तो वो कहते हैं खुद ही कब्जा किया हुआ है, जाओ नहीं है मारते धक्के, दुकान निकाल देते। हमने कहा हमें जिंदगी चाहिए, जिंदगी चली गई, कब्जा मार के बैठे हुए हमारी गली में रहते हैं, पास ही उनका घर है, मेरी अम्मी अबू का, जो चला गया इस दुनिया से। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, शहबाज शरीफ से इंसाफ चाहिए, हमजा शरीफ से इंसाफ चाहिए, जो आज इस हुकूमत पे बैठे हुए हैं, हमें इनसे जो है ना तहफ्फुज़ भी चाहिए। खुदा ना खास्ता वो कल को फिर कोई नुकसान पहुँचाए, हम कहाँ से पूरा करेंगे, कौन करेंगे? वो कह रहे हैं हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे, अब हमने इसको भी मारना है, हमने इरम को भी मार देना है, उसके बच्चे को भी मार देना है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, तहफ्फुज़ भी चाहिए और हमें इंसाफ भी चाहिए। वो जितने भी इसमें मुलव्वस हैं, बस आपको लगा मैं आज उठती हूँ, मेरे भाई के कातिलों को मत छोड़ना, हमें सब्र नहीं आ रहा है। गोगे के बच्चों को मैं तो वीडियो नहीं देखी जा रही, और प्लीज़ सॉरी, तुम वेख लो पूरी वीडियो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन। मैनू यह नहीं समझ आ रहा कि यार इदा क्यों होंगे, मतलब कितने है पाकिस्तान की तुहाडी पुलिस, कितने है तुहाडी उतों के जिहड़े न्याय के जिहड़े लोग है ना, वो कितने है सारे? पुलिस ने कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया? मतलब गल उ आ जाती है ना कि गरीबों की कोई नहीं सुनता, गरीबों की कह लो, लाचारा की कह लो, जां कह लो कि जिदे को दूजे अपोजिट पार्टी को ज़्यादा पावर है, वो को ज़्यादा पैसा, सब पास यही हाल है यार। मतलब की बनूगा दुनिया का, मैं समझ नहीं आ रही भी अजकल जड़े जड़ा खौफ है एक, वो रहा ही नहीं किसी को, मतलब वो बेखौफ होके लोग इदा के काम करते पे है, किसी का परिवार उजाड़ देंगे है। मतलब चलो विआह करा लिया भज के ठीक है, उन्होंने लाइफ है यार, वो परसनल लाइफ आदि जिम्मे, मतलब वो चॉइस आओ, ठीक है चलो हो गया विआह, ठीक है ना बुलाओ, सारी उम्र ना बुलाओ, वक्रे हो जाओ, गल खत्म, शक्ल ना देखो, पर किसी को मारना ये तो कोई हल नहीं होया। आई थिंक इट्स वेरी रोंग यार, तुम सारे जने आवाज़ उठाओ ना इन चीज़ों की, ता ही तो इंसाफ मिलेगा उन्होंने घरदू। एंड हूँ तो चाहने वाले भी बड़े से, जिदा कबड्डी का कप्तान सीगा, गलत है यार, बहुत ही ज़्यादा गलत है, इदा नहीं होना चाहिए। मतलब अजकल तो
जिदा अगे भी आप पाकिस्तान देखा है कि जोड़ा नाजायज़ असल है बहुत ब्रह्म मतलब कि हैगा उधर ऑलरेडी लोगों को लाहौर च पेशावर च गुजरात मुल्तान मतलब इदा दिया कुछ सिटीज़ है जिथे गैंग्स जोड़े गैंगस्टर्स खुलेआम घूमते हैं पर यह तो कोई गैंगस्टर भी नहीं है मतलब ये तो इन्हों की परसनल रंजिश सी जी उन्होंने क्ढ़ी है ये तो हम थोड़े जी सरकार है मौजूदा सरकार है जो जो पुलिस है उन्होंने चाहिए कि इस चीज़ को हल किया जाए तो न्याय मिले उस बंद सज़ा मिले कड़ी तो कड़ा कड़ी क्योंकि इंसान इंसान को मारता पाया यही तो कलयुग है मतलब बंदा अपने हाथों से जो कुदरत लै लैंदा तो कुदरत का जड़ा वह कुदरत ने जड़ा विनाश ही करना ठीक है किसी इंसान को हक नहीं है किसी का किसी की जान लैन का मैं हमेशा वीडियो कहना अगे सिद्धू मूसेवाले की गल हुई सी उदो साडे भी इधर कतल होंगे है पता नहीं लोगों खौफ क्यों नहीं गा यार आप कहने कि सारे लोग पर उ गल है कि जिदा पंजे उंगलों बराबर नहीं है तो उदा कोई भी होर भी कोई इदा सब बंद आपका आपका सोचने का तरीका आपका आपका जिंदगी जीन का तरीका आपदे आपके नियम जो भी है पर सारा परिवार एक पासे हो जाए उन्होंने कोई समझाने वाला नहीं सी कि यार उस बंदे की चलो कतल नहीं करना वो जे होर उन्होंने कोई सज़ा देनी है दे सक दे लो कुट लो है ना जो मर्जी कर लो पर एक जान ही खत्म कर देनी यार वो बहुत वड्डी गल हुंदी है समझ रहे हो इस गल नूं किसे छोटा जिहा बच्चा उहदा प्यो उहदे सिर ते नहीं रहा हुण ठीक है तो मतलब जवान मुंडा सी कोई आए नहीं उम्र भोग के गया बहुत गलत गल है यार वाहिगुरू मुंडे की आत्मा नूं शांति बख्शे तो सारे पासे यार सुख शांति रखे बाकी तुसीं मैनूं कमेंट करके दस्सो जेकर कोई गलबात इस वीडियो दे विच रह गई होवे तां मैं पढ़ूंगा जरूर मिलते हैं किसी और वीडियो में।